हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू एंड थ्री। चलते हैं एसआई में आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जॉन इन्वेस्टर्स ए सम एट 10% एसआई आफ्टर फोर ईयर वी हैव रुपीज 770। फाइंड द सम, कहने का मतलब है कि कोई सम है या यानी प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। हमने मान लिया रुपीज एक्स, आर हमारा है 10%, टाइम हमारा है 4 ईयर और अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 770। तो फाइंड द सम, हम पहले क्या निकालेंगे, एस आई पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। पी हमने एक्स माना, 10 है 4 है बाई 100, जीरो काट दिए यानी 2x/5 हो गया। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। अमाउंट हमें मालूम है, वो अमाउंट के पास हो गया। पी हमारा एक्स है और एस आई क्या आया 2x/5, सामने हमने निकाला है, 5 LCM आ गया, 5x+2x हो गया। ओके, यानी 770 770 इक्वल टू 7x/5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 × 770 एक्स बराबर 770/7 काटेंगे 110 यानी एक्स का वैल्यू हुआ 055। यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर, इट विल बिकम 5 times ऑफ इटसेल्फ इन व्हाट टाइम। कहता है कोई पैसा अपने से दुगना हो जाता है 20 साल में, तो बताओ अपने से 5 गुना कितने सालों में होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन। देखिए पहले तो हम मानेंगे कि लेट बी पी इक्वल टू रुपीज 100, यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है तो डबल हो गया यानी अमाउंट हो गया 200। तो एसआई क्या हुआ, ए माइनस पी फार्मूला होता है, 200 में 100 घटा दो रुपीज 100 और टाइम हमारा दिया हुआ है 20 ईयर। हमारा काम है रेट निकालना, तो जब रेट निकालेंगे तो फार्मूला होता है एसआई गुने 100/P गुने पी। ठीक है, एसआई हमारा कितना है 100 × 100, पी हमारा कितना है वो भी हमने 100 माना और ये 20, 100 कट गया, ये 5 बार में कट गया, हमारा रेट आया 5%। अब कहता है कि पी हमारा 100 ही है लेकिन बच्चों अमाउंट हमारा 5 times यानी 500 रुपया हो गया, तो हमारा एसआई क्या हुआ, ए माइनस पी फार्मूला होता है, 500 में 100 को घटा देंगे 400 रुपया हमारा एसआई हुआ और रेट हमें मालूम है 5%। तो टाइम बराबर क्या होता है, सबको पता है एसआई गुने 100/P × R, एसआई हमारा 400 हो गया मल्टीप्लाई 100/P, हमने 100 माना है और R हमारा 5 आया है, काट दिया 20 बार में काट दिया, गुना करेंगे राइट आंसर 80 किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 12 ईयर देन फाइंड द रेट। हमसे पूछा गया पी मालूम नहीं है, हमने लिखा लेट बी ए रुपीज 100, अमाउंट कहता है कि डबल हो जाएगा तो 200 हो गया, एस आई बराबर आपको पता है ए माइनस पी यानी 200 − 100 रुपीज 100 हो गया और टाइम दिया है 12 ईयर। अब हम आर इज इक्वल टू होता है एस आई मल्टीप्लाई 100/P × T, एस आई हमारा 100 है, पी भी हमारा 100 है और ये 12 है, राइट, 100 कट गया, 4 से काटे 3 बार में, 4 से काटे 3 बार में, 25/3 मिक्स्ड में आएगा, अतिरिक्त 24 8 मिक्स्ड 1/3% अगर रेट है तो परसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 462.50 फॉर 3 mixed 1/2 year एट द रेट ऑफ 4% फॉर एन एम, आल्सो फाइंड टोटल अमाउंट। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पी दिया हुआ है 462.50, टाइम दिया है 3 mixed 1/2 year यानी 7/3 year, रेट दिया हुआ है 4%। ठीक है, अब हम एसआई निकालेंगे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100, पी हमारा 462.50 है, आर हमारा 4% है, ये 7 है,
जब फ्रैक्शन में होगा तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, इसको 2 बार में काट दो, इसको डायरेक्ट 100 बार में काट देते हैं, जब 100 से भागा देंगे तो आएगा 4.625। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64.75 रुपीज़। अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई, पी हमें मालूम है 462.50 और एस आई आया 64.7। दोनों को जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो आएगा 527.25। यही आंसर है। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में 5 नंबर, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी पुट एज 13 × 1/3% एस आई ट्रिपल इटसेल्फ। कहता है ना कि P मालूम नहीं है, मान लो रुपीज एक्स 100 लेट, ठीक है, रेट हमारा है 13 × 1/3% यानी कि 40/3% है ना, एक ट्रिपल इटसेल्फ यानी कि अमाउंट हो गया 100 × 3, उसके 3 गुना यानी 300 रुपया। तो एस आई कितना हो गया, ए माइनस पी आपको पता है, 300 में 100 को घटा देंगे रुपीज 200 हो गया, ठीक है। तो व्हाट टाइम, तो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है एस आई गुणे 100/P × R। एस आई हमारा 200 है मल्टीप्लाई 100, पी हमने 100 माना है और 14/3 हमारा रेट है, तो याद रहे ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसको 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 बार में 0 काटेंगे, कितना आया 15, यानी राइट आंसर 15। ओके जय हिंद।